सफाई कर रहा कर्मचारी था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा भगत सिंह ने तू क्यों रो रहा है? उसने अंग्रेज के सामने फेंक दी थी झाड़ू। बोले मैं करूंगा क्या इसका जब मेरे देश का नौजवान सिपाही ने तुम बेकसूर फांसी तोड़ने लग गए। मैं अपने भाइयों ने कहूं जब उस एसडीएम ने नुकाया था सीना ने चलाओ लठ, अरे मेरे में के चक्कर आई का काम उसे कहीं ठोक दे, उसे कहीं ठोक दे। कह देंदे जी गलती तो लगी जो गरीब का ने गलती तो लगी उसी ने क्यों नहीं ठोकी। भाइयों मारे पैदा कर रहे हो तुम कि अपनी माँ बाणा ने तुम बेच दोगे क्या? धरती मारी माता है जिनके ऊपर अडानी और अंबानी ने लिया हंडन लग रहा। हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, किसी हालत में भी नहीं छोड़ेंगे। शहीदी दिए शहीदी देंगे। 56 इंच का मोदी का सीना खोली, 56 इंच का ये बैठे हैं नहीं, इनका सीना है। और मुट्ठी भर नुकाय क्या कर लेंगे? मुट्ठी भर किसान बैठे हैं, 40 बटालियन इन मुट्ठी भर पैतरा पिसौली कर रहे हैं। बता तो नहीं कर रहे हो, रात की नींद आराम हो रही है, दिन का चैन आराम हो रहा है। मैं आपको बताऊं तो युवा कैसे कह रहे हैं? और भाई टक्कर लेनी हो शांति शांति कर रहे हैं, जब तक चल लेगी शांति भी बनाऊंगे और जिदन क्रांति पाएंगे उदन बदलाव भी होगा। ऐसा काम मत करो। और मैं अपने सरदार भाइयों ने माता ने कहना चाहूँ, एक तो पीडी वाले बार बार पूछा है कि बीबिया की संख्या बहुत कम है, मैं बड़े सारे भाइयों ने कहना चाहूँ भाई खेत का काम तुम अपनी लगाइया ने भेज दो, हम अगले आदमी आड़ रह जाएंगे, हम भी आड़ रह जाएंगे। रोटी पोड़ने भाई हमारे घर में दो दो चार चार नौकर लाए जाओ, हम तड़की आके बैठ जाएंगे। तो मैं अपने बताऊं औरतों की कुर्बानी कितनी है। सवेरे देखो मोदी और खट्टर के जमाइया ने हमने बना के भेजे धोले कपड़े भरा के खुआ के रोटी के, तुम जाओ सेरा बांध के हर मोदी की दीन ब्याह कर बोलो नहीं है तो। तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ क्या इंक्वायरी बिठाएगा सीना पे? और तुम इंक्वायरी बिठाओगे हम मंजूर को नहीं करें, क्यों नहीं करें? कि तुम अपने का पक्ष में साथ ले, प्रशासन का भी कितना गलत आदमी हो उसके खिलाफ जानदाई को नहीं। आप बता जाओ यूं तो सर आगे कच्चेदारी है नहीं, इनने तो भाई अंग्रेज भी फैल कर दिए, इनने तो मुगल भी फैल कर दिए या नहीं कर दिए है? और मैं अपने एक बात बताऊं, वो किसान का बेटा था जिन्हें जनरल डायर इंग्लैंड में जाकर मारा था पार्लियामेंट में, भूल गया हम उस कौम के सिपाही है, हमने हुए लाल पैदा कर रखे हैं जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी जाकर गोली मार देंगे। और तू तो भाई भाईचारे में लग रहा है और यह भी बात भूल दिए, अगर तुम्हारे मुंह पे एक रफ्ता मारेगा हम दूसरा गाल करेंगे। गाल को नहीं करें बांदरी की डाल मुंह थपड़िया देंगे तो चाहे अभी नहीं पाओगा। मैं आपने बताऊं गुरु गोविंद सिंह के चार साहब जाते शहीद हुए थे, हुए थे या नहीं? जो ये इतनी सेना या लंगर चलने लग रहे नहीं, ये गुरु गोविंद सिंह के साहब जाते रंग चला रखी है। भाई एक बात बताऊं, हमारी लड़ाई है नहीं छोटे मोटे पुलिसिया था या डीसी था इन तक नहीं है, हमारी लड़ाई है जो दिल्ली में बैठे मोर चुका हुआ है मारे धाने। अरे उसकी एक छोटी सी बात बताओ, आप यूट्यूब पे देखो उसने रोया कि मेरी माँ ने लोगों के बर्तन मांजे हैं, मेरे को वो दुख नहीं भूलिया था। मोदी बोलिया था ना यह बात, मैं इसकी बुआ है तुमसी तर के साथ देख खेत भी तो मावर पाषण भी मांजन लाग दी। मारे तो नहीं आदमी ने कद कहा कि मारी माँ ने खेत भी कमाया, मारी बाणा ने खेत भी कमाया, बोलो उसकी इस चीज ने 10-10 लाख का सूट फर्क है। अरे बेचारे ने चा बेची थी उन्हें के मेरा था कपड़ा के चीज हो पजामे कुर्ते के चीज हो कच्छा पा रहा शुरू तो उसे मैं लग रहा अपना। और अगले आने वाले टाइम में मैं किसान भाइया ने कहूँ नुए डटे रहोगे नहीं, ना झुकोगे ना टूटोगे तो तब मैं बता दू मोदी की केतली की कोई चाप पीना नहीं पाओगा। और मैं तो करनाल का सबसे पहले दुर्भाग्य बताऊं हूँ क्या कभी खट्टर सुना था या खट्टरी करा है? जब कोई लोया ट्रैक्टर खराब हो जाए मैं कहता खट्टरी है गेर दे, और हमने वह खट्टरी सिर पर बिठाई, बोलो बिठाई या नहीं बिठाई, पहचान ही नहीं रही।
अरे रंगे भांडे बिठाए दिए उन्हें के मेरा के माँ बेटी का बाण का दुख क्या चीज होता है बोलो आप बताए बोल फिर है। चाणक्य ने जब राज कर चंद्रगुप्त मौर्य था पूरे देश का राज कर रहा था नी तो एक ने नू कहा था इस भाई वर्ग ने के चंद्रगुप्त जी खुद राज करो क्यों आप चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य जी आप खुद करो। चाणक्य ने एक बात कही थी भाई मैं उद्धू राम इंसान हूँ बोले आप कैसे आप तो अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हो आप कैसे हो दूरे इंसान बोले आप 50% पढ़ाई हो ना वो गृहस्थी की होती है कि माँ का दुख क्या है बच्चों का क्या है बहन का क्या है मगर मेरे को तो पता ही नहीं माँ बहन बहन का दुख क्या हुआ है आप बताओ बाहर लट से डरा बंद मैं ये बताऊं कि उसको पता नहीं उसने कहा कि राज के योग्य घर गृहस्थी वाले होते हैं रंधे वांधे को नहीं हो मैं अरे भाई दिल्ली देख चंडीगढ़ दिल्ली में चले जाओ रंधा बैठा चंडीगढ़ चले जाओ खटरी रंधा यूपी में चला रहा हूँ योगी रंधा एक बात बताओ इन सारे गए पूछ जा बैठा वो दोनों हाथ से लूटन लग रहा है और जो ये प्रशासन पर इतना गंदा हरियाणा में खेल हो रहा है क्यों हो रहा है अमित शाह की और खट्टर की लड़ाई है अमित शाह कह रहे हैं किस तरह फैल कराए उनने यह चाल खेली है 28 तारीख ने के मारे भाई ठीक ठाक बैठे थे उनके ऊपर गोली चलाने का काम मार करने का काम करे मैं अपने भाई ने ये भी कहना चाहती हूँ प्रशासन वाले ने इनका कोई अवसर नू देवा ना थमने के भाई किसान ना मार दो इनका भाई अच्छा नहीं लेंगे वो किसान तो बाद में देखते और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ एक जकारा बोलूंगी अर्थात ठाठा बोलूंगी क्यों बोलूंगी किसान की बेटी हूँ किसान की बहू हूँ किसान की छोरी हूँ और इतना तगड़ा बोलूंगी कि मैं थारा जकारा फैल हो जाएगा मोदी की नींद आराम करनी है खट्टर की तो ये जकारे छोड़ोगे इन्हें मेरी राम राम भाई एक बात जरूर देखी मैंने करनाल जिला कीर करनाल की 3 दिन हो गए जमा इतना वो कर रहे हैं सिवोगे सारे छोटे छोटे बच्चे भी बड़े भी और महिला भी और मतलब खट्टर भूल जाइए कदे नहीं सोचा मेरा करनाल मेरा घर से तेरा कोई घर नहीं है जमा चूची बच्चा 36 जात का सारा भाई सारा अड़े बैठा है करनाल का कदे तू कुछ भूल में रह जा और काल भाई मोड़ा का लकड़गी बिलायू खट्टर का घर से अरे मखाश के क्यों दर्शन करावा है घर बसता के तो मुखा मंडेरे भी आसा मखाश के तो कोड़े भी रोवे है मखा आड़े का निकाड़ने थे मखा में और एक बात और कहनी चाहूँ भाई मत इन करनाड़ा ने जो इसने यू अपने के ला काम करा है ना जिंदगी में जो बच्चा पैदा होगा ना वो भी नहीं भूलनी चाहिए वो भी सका कन्यो करियो मारे के लिया बात करी थी बीजेपी सरकार ने आगे तक लिख दे जाइयो ये बात भूलन की नहीं है इनका मौके के ऊपर याद आने की है और मैं इन सीआईडी वाला ने भी कहना चाहूँ भाई रे जाता रहा मैं पूरी सीआईडी धंधे हो तो जाइयो हरियाणा बसता रहा हो तो ठीक से तुम भी गलत सीआईडी दे हो मारे 1.5-2 लाख आदमी तो रोज ऊपर आदमी आवे हैं हर एक जना ने कह रहा कि मेनी बात माँ के मेनी बात उदन मेरा पड़ जाएगा जब तेरा आड़ा लगेगा मखा अच्छा ये बार उदन 7 तारीख में आए ना जब ये पल्ला देख ले थोड़े किसान दिक्कत है ये भज भज आवे थे सरप मारी तो इन पर गुटिए गोलू टी डंडे तो बहुत वारी उठेंगे इन पर